हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे बोलने से शायद आप लोग समझ ही गए होंगे और वैसे टाइटल भी पढ़ लिया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कैरी मिनाटी का एक बहुत ही ज़्यादा मस्त सा सॉन्ग। इनका न्यू सॉन्ग आ गया है जलवा, कैरी मिनाटी एंड विली फ्रेंजी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, एंजॉय करते हैं गाना। सॉन्ग एंजॉय करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काटे काट मेरे दिल पे जुबान है, भेद दिल ये ऐसा कमाल है। सरा पूछूं आज किसका ख्याल है, रेतु की रानी है किससे कमाल है। सुरमय भरी वो है बला, देख के उसको जमाना जला। माया का जाल है उसकी कला, उसके इशारों पे मैं हूँ चला। जब वो चले संसार झुके, जब वो मुड़े तरनी बहे, जब हाथ उठाए आंधी रुके, जब पल के झुकाए तो वक्त रुके। डरता करता फिर भी है मेरा मन, नाम सुन के बढ़ जाए धड़कन। मिट्टी पे पड़े जब उसके कदम, करते सक जमीन को फिर से नरम। जलवा तेरी आंखों का देख ये जलवा, मुझे पास बुला मत शर्मा। तेरी याद में रोज हूँ जलता, दिखा दे तू अपना जलवा। तेरी आंखों का देख ये जलवा, मुझे पास बुला मत शर्मा। तेरी याद में रोज हूँ तड़पा, दिखा दे तू अपना। मुझे थोड़ा थोड़ा सा तो लग रहा था, बट वर्तिका झा माय गॉड शी इज डैम। समंदर के जैसे बढ़ती लहर, बवंडर के जैसे ढाती कहर। सोने सा चमके उसका बदन, छू दे तो अमृत बन जाए शहर। असलिया चेहरा उसे सब है पता, चाल है गहरा उसे कुछ न छुपा। दिल है जो ठहरा उसे नहीं है पता, क्या तेरी माया जरा मुझे भी बता। ढूंढू मैं उसको कहां, होठों पे जिसके लिपटा जहां। इतना दर्द क्यों मैंने सहा, जब मिलने ही थे दोनों जहां। रुक गई मेरी सांस भी, महसूस करने की आस भी। खुल जा मुझ में जैसे चाशनी, कट गई ये साली रात भी। जलवा तेरी आंखों का देख ये जलवा, मुझे पास बुला मत शर्मा। तेरी याद में रोज हूँ जलता, दिखा दे तू अपना जलवा। तेरी आंखों का देख ये जलवा, मुझे पास बुला मत शर्मा। तेरी याद में रोज हूँ तड़पा, दिखा दे तू अपना। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा, इसे देखकर किसे किसे द मम्मी मूवी की वो जो फेरिया थी उसकी याद आई, या फिर अन्ना सुनामन उसकी है। किसे देखकर यार, वर्तिका झा वो ऐसा लग रहा है लाइक रियली इजिप्शियन क्वीन यार। इतनी खूबसूरत लग रही है वो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। एक तो उसका डांस, ओ माय गॉड, मतलब लोगों के भाई दिल चुराने में कोई कसर नहीं छोड़ती भाई लड़की, इतनी गजब है यार, इतनी गजब है। उसके मूव्स लाइक इंडियन जो हिप हॉप डांस है, ठीक है, या मतलब ऐसा टेक्निकल डांस जो भी है, ठीक है, नाम क्या क्या है मुझे इतने नहीं पता, बट
वर्तिका झा जैसी डांसर रियली बहुत कम है, बहुत कम क्या समझ लो, है ही नहीं उसके जैसी हिप हॉप डांसर। ठीक है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा स्मूथ एंड स्लीक मूव्स दिखा पाते हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो वर्तिका झा इस चीज़ के लिए आउटस्टैंडिंग है यार, 10 on 10, 10 on 10, सीरियसली 10 on 10 क्या, 11 on 10, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है वो लड़की, पहली बात तो। और दूसरी बात, कैरी मिनाटी, ओ माई गॉड, उसे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वैसे नए अवतार में देख रही हूँ, लाइक वो इजिप्शियन आईज एंड ऑल, ओ माई गॉड, दैट सो फकिंग गुड, सो गुड, वाव, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और लिरिक्स माइंड ब्लोइंग, लाइक एक फराओ जैसी पर्सनैलिटी जो होती है, ठीक है, फराओ मतलब इजिप्शियन में किंग को कहते हैं फराओ, ठीक है, वैसी ही पर्सनैलिटी है। बहुत सारे लोग उसे फैरो बोलते हैं, बहुत कुछ लोग फराओ बोलते हैं, कुछ लोग फारो बोलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग इनके प्रोनाउंसिएशन है, आप जैसे भी बोलना चाहो। सो ये सॉन्ग के बारे में बात करूँ यार, एकदम मिथिकल सा सॉन्ग है ना, ऐसा लगा जैसे हम बहुत टाइम पीछे चले गए हैं स्टोरी में, लाइक वो कॉन्सेप्ट मॉडर्न है, वो जो लिरिक्स हैं वो मॉडर्न हैं, ठीक है, म्यूज़िक मॉडर्न है, बट जो एक थीम जो इन्होंने एकदम मिथिकल टाइप ली है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, वो एकदम एंशियंट टाइम लग रही है, टाइम की लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एंशियंट इजिप्ट की टाइमलाइन यहाँ पर चल रही है, और बिल्कुल वैसा ही यहाँ सेटअप बिठाया गया। ओह माय गॉड यार, मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं, ठीक है, कि इस सॉन्ग की तारीफ मैं कर सकूँ, बट एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कैरी मिनाटी की इतने टाइम बाद ये सॉन्ग आया है कैरी मिनाटी का, ठीक है, बट फिर भी यार जो उनका मतलब वो सॉन्ग था ना पहला, यलगार हो, ओ माय गॉड, उस सॉन्ग को तो बीट करना इतना आसान नहीं है, खुद उनके लिए इतना आसान नहीं है, खुद कैरी मिनाटी के लिए, लाइक लोगों ने जो ताबड़तोड़ प्यार दिया था ना उस सॉन्ग पर, ओ माई गॉड, मुझे लगता है कि हाँ शायद ही कोई दूसरा वैसा सॉन्ग आए जिसको लोग उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यार दे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाला सॉन्ग अच्छा नहीं है, दैट फ्रीकिंग माइंड ब्लोइंग यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग है, ठीक, बट एक छाप छूट जाती है ना जो हम लोग के मन में, वो यलगार में बात थी, ठीक है, वो यलगार में बात थी। सो यार मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सॉन्ग, कमाल का सॉन्ग है, कमाल की कोरियोग्राफी, कमाल का म्यूज़िक प्रोडक्शन है, ज़बरदस्त। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।